राजा भोज जब अबोध बालक थे तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। भोज के पिता ने मरते समय अपने छोटे भाई मुंज को बुलाकर कहा, यह राज्य तुम संभालो, जब भोज बड़ा और समझदार हो जाए तो उसे सौंप देना। भोज अपने चाचा की देखरेख में बड़ा होने लगा, लेकिन जल्दी ही राजा मुंज की नीयत डोल गई। उन्होंने सोचा कि भोज के बड़े होने पर शासन उसे सौंपना पड़ेगा, अच्छा तो यह रहेगा कि इसका अभी सफाया कर दिया जाए। राजा मुंज ने जल्लादों को बुलाया और उन्हें भोज को सौंपकर उसकी हत्या करने के आदेश दे दिए। वध करने वालों को जंगल में बालक भोज पर दया आई और उन्होंने उसे छोड़ दिया और सारी बात भी बता दी। कुछ समय बाद भोज ने अपने खून से अपने चाचा के नाम एक पत्र लिखा। सतयुग में प्रतापी सम्राट मानधाता हुए थे, वे खाली हाथ चले गए। त्रेता युग में समुद्र पर सेतु बनाने वाले दशानन अहंकारी रावण को मारने वाले तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री राम अपनी लीला समाप्त कर वापस चले गए। द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर जैसे राजा भी नहीं रहे, वे सब भी खाली हाथ चले गए। ये सब प्रतापी राजा पृथ्वी और उसकी संपदा को अपने साथ नहीं ले जा सके, परंतु चाचा मुंज आप अपने साथ सारा ठाट बाट जरूर ले जाओगे। पत्र पढ़कर राजा मुंज की आंखें खुल गई, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने राजकुमार भोज को सारा राज्य सौंप दिया। दोस्तों, यह सब जानते हुए भी आज का मनुष्य अनजान बना हुआ है। सब कुछ दुनिया का दुनिया में ही रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा, खाली हाथ ही दुनिया से विदा होना पड़ता है। श्री हरि के भक्त व वैष्णव जन कहते हैं कि एक ही धन साथ जाता है और वह धन है राम रतन धन। तो भाई, आज ही अपना भगवान की अलौकिक हरिनाम बैंक में अपना खाता खोल दे और राम नाम की पूंजी जमा कराना शुरू कर दे। जीव इसके अतिरिक्त और कुछ भी यहाँ से नहीं लेके जा सकता है। जय श्री राम।